नमस्कार दोस्तों, कुछ चीजें हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और वह हमारी समस्याओं के लिए रामबाण है, जैसे कि फिटकरी दोस्तों, जिसे हम एलम कहते हैं, जो कि हर घर में आसानी से ही मिल जाती है। दोस्तों फिटकरी के बहुत सारे गुणकारी फायदे हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी सिर्फ अपने फेस के लिए फिटकरी कितने फायदेमंद है और कैसे इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों फिटकरी का नाम सुनकर लगेगा कि 10-15 रुपए की फिटकरी क्या काम करेगी। दोस्तों ये फिटकरी बहुत कुछ कमाल कर सकती है। फेस पर रिंकल, पिंपल, जाइयां, दाग धब्बों को धीरे धीरे खत्म कर देती है ये फिटकरी और हमारा चेहरा चमक जाता है और ग्लो करता है। दोस्तों आज मैं आपको फिटकरी का पैक बनाना बताऊंगी। इस फिटकरी के पैक को आप कुछ वक्त इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपका चेहरा चमकता जा रहा है। इसका राज आपसे सभी पूछते फिरेंगे, तब आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैजिक सच में होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बना रहे हैं इसका पैक। एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम फिटकरी का और इसको खलबत्ती में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम से इसका हमें बारीक पाउडर बनाना है। दोस्तों फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के गुण पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचाने और दाग धब्बे के निशान हटाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ स्किन में कसाब लाते हैं। गर्मियों में सनबर्न की समस्या होने पर इसका इस्तेमाल काफी कारगर साबित होता है। ये देखिए दोस्तों हमारा पाउडर बन गया है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये थोड़ा सा दानेदार पाउडर है, तो अब हमें इसको छानना होगा। इसको छानने के लिए कोई भी स्टील की छन्नी लेंगे और इस पाउडर को इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे इसको हम छान लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी मोटे पार्टिकल्स हैं वह अलग हो जाएं और हमारा बारीक पाउडर एक तरफ हो जाए। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अब हमने एक कटोरी में ले लिया है 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हल्दी पाउडर। दोस्तों अगर आपके पास में कस्तूरी हल्दी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाता है और उसकी चमक को बढ़ाता है। उसके बाद में दोस्तों अब हमें चाहिए हनी। दोस्तों 1/4 चम्मच हनी डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। दोस्तों शहद में प्राकृतिक ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो त्वचा की रंगत को सुधारने में मदद करते हैं। दोस्तों शहद को स्क्रब के रूप में उपयोग करने से मृत त्वचा कोशिकाएं हटती हैं और नई त्वचा को उभरने का मौका मिलता है, जिससे हमारी स्किन जवान दिखती है। दोस्तों हल्के हाथ से धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं हनी डालने से यह थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम बाकी चीजें भी डाल लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। 1/2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और इसको धीरे धीरे अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों नींबू का रस एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, जो त्वचा के संक्रमण और मुहासों को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों नींबू का रस विटामिन सी से भरपूर होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। दोस्तों नींबू का रस हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिसके इस्तेमाल से हमारी स्किन गंदगी को निकाल देती है और चमकदार दिखने लगती है। दोस्तों अगर आपको नींबू सूट नहीं करता है तो आप नींबू के बदले रोज बॉर्डर डालें और नींबू को स्किप कर दें। दोस्तों अब देखते हैं इस पैक का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले अपने चेहरे को सादा पानी से धो लें, तौलिए से पोंछ लें। उसके बाद में दोस्तों इस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद में दोस्तों 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। दोस्तों 15 से 20 मिनट के दौरान आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर खिंचाव आने लगा है। उसके बाद में आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लें और तौलिए से पोंछ लें। उसके बाद में आप अपने चेहरे पर कोकोनट ऑयल या मॉइस्चराइजर लगा लें। दोस्तों ध्यान रखें कि हमें अपने चेहरे को साबुन से नहीं धोना है। दोस्तों इस पैक का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करेंगे तो यह ज़्यादा असरदार होगा। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।